Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. देखो मेरा खानदान का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस इंस्टीट्यूशन से एक बहुत पुराना रिश्ता. हम तीन नस्लों से यहाँ आते रहे हैं इंसाफ मांगते हुए. हमारे लिए शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो कत्ल केस में ये क्राइम सीन है जहां जुडिशल मर्डर किया गया था. सदर जरदारी ने उस केस में सदर था रेफरेंस भेजा था जनाब चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब को. आज तक उसका नहीं सुना गया है. मैं सोच रहा हूं कि मैं खुद उस केस में भी एक पार्टी बने ताकि मैं उसका फॉलो अप कर सकूं. जहां तक शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद शहादत का केस है, हम बात करें जो इनिशियल ट्रायल कोर्ट का वर्डिक्ट है, उसमें हमें बताया गया है कि एक तो मुशर्रफ के बारे में कोई फैसला ही नहीं दिया गया, वो तो अब्सकंदर है, भगोरा है, बागा हुआ है. दूसरे जो अबेटस थे, रैकी कर रहे थे, जिन्होंने दहशतगर्दों को फैसिलिटेट किया, जिनका डीएनए एविडेंस मौजूद था बाहर के डीएनए चेक करने वाले इदारों में भेजा गया, वो भी मैच किया गया, वो जो डीएनए मैच थे उनको भी एक्विट किया गया. फिर आते हैं हम इन पुलिस ऑफिसर्स पे. नाउ हम सब जानते हैं कि उस दिन पे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो सिक्योरिटी कॉर्डन था, जो बॉक्स सिक्योरिटी होता था, जो हमारे शौकत अजीज साहब जब वो वज़ीर आज़म थे और साबिक वज़ीर आज़म भी थे उसको मिलता था, जो चौधरी सजाद साहब जब वो वज़ीर आज़म थे उसको भी मिलता था, लेकिन शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो ना सिर्फ अक्टूबर 18 के इंसिडेंट में टारगेट की गई मगर पूरे मुल्क इलेक्शन कैंपेन के दौरान अथॉरिटीज इंस्टीट्यूशन जो सब कह रहे थे कि आपका जान खतरे में थे, अनफॉर्चुनेटली उस दिन पे वो जो सिक्योरिटी कॉर्डन था दैट वॉज सेंट अवे. दे वर सेंट अवे फ्रॉम द सीन एंड कुड नॉट प्रोवाइड that security cordon to Shahid Mohtarma Benazir Bhutto and left her a sitting duck for the terrorists. Uske alawa incident ke baad bhi crime scene dhoya gaya. Fire hydrant ke hose se crime scene dhoya gaya. 18 October ke incident pe bhi crime scene dhoya gaya. हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने इस पर बहुत एतराज़ उठाया. हाँ, आपको याद होगा कि जब डिक्टेटर मुशर्रफ पे दहशतगर्दी के वाकये हुए वहाँ तो दिनों तक क्राइम सीन प्रोटेक्टेड था और हर पीस ऑफ एविडेंस वॉज कलेक्टेड. यहाँ इन्होंने वो क्राइम सीन को भी धोया मगर लोअर कोर्ट ने दहशतगर्दों को छोड़ा, मुशर्रफ को छोड़ा और इन पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ एक डिसीजन दिया. मगर उनको फिर उसके बाद बेल भी मिला और बेल मिलने के बाद ड्यूटी पर वापस गए. आज हमारा इस पे अपील था तो मैंने सोचा कि शायद टाइम आ गया है कि मैं खुद आकर देखूं कि इंसाफ कैसे किया जाता है इस मुल्क में. हमारे बहुत सारे उम्मीदें हैं
मैं समझता हूँ आज मैं देख रहा था खोसा साहब जज साहब जो है बड़ा रिस्पेक्टेबल जज है बहुत सारे रिस्पेक्टेबल जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में और मुझे उम्मीद है कि मेरी ज़िंदगी में ना सिर्फ हम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की जुडिशल मर्डर की केस में हमें इंसाफ मिलेगा मगर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की केस में इंसाफ मिलेगा मैं नहीं समझता एक तो मैं जानता हूँ कि दूसरा वकील मुकर किया गया था एतज़ाज़ अहसन साहब वकील बना लेकिन उसके बावजूद आई डोंट केयर कि चाह वो अरबी साहब करता है या नहीं यूनिसेन साहब ने तो नहीं किया मैं खुद शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा हूँ और मैं अपना लीगल ऑप्शन एक्सप्लोर करूँगा एज दिस रेफरेंस हैज़ बिन सेंट मैं चाहूँगा कि मैं खुद उसका एक पार्टी बन सकता बिलावल साहब आपने कहा कि बहुत से दहशतगर्दों को छोड़ दिया इस ट्रायल कोर्ट में और परवेज मुशर्रफ के खिलाफ भी कोई वाज़े फैसला नहीं आया तो मुशर्रफ के खिलाफ अदालतें फैसला करती हैं और क्वेश्चन सुन लें अदालतों का फैसला आता है तफ्तीश के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कैसी होती है जिमनी क्या लिखी जाती है उसमें किस को वो मुजरम करार देते हैं पुलिस चलान में तो अगर आपकी हुकूमत रही है जब चलान ही मौसर नहीं होगा तो अदालतों में फैसला आपके वकील दोनों राइट एंड लेफ्ट मौजूद हैं इनसे पूछते हैं जब चलान नामुकम्मल है या चलान मौसर नहीं है तो अदालत ने तो चलान के ऊपर फैसला करना है ना नहीं एक क्वेश्चन होने देना कर दिए क्वेश्चन सर अगर मेरे क्वेश्चन का जवाब दे दें करेंगे सॉरी आई कांट हियर CPU का वो आ गया रिकॉर्ड sorry again he keeps interrupting you so please main samajhta hu ki unhone nahi kaha I think that is the key question ki kisne wo order kiya kiya tha jahan tak Purvez Musharraf sahab hai वो दूसरे जो अबेटस थे जिनको हमें आइडेंटिफाई कर सकते थे वो सब केस में मौजूद थे और जो भी है अपने जो नाइंसाफ़ी हुआ था उस लोअर के लोअर कोर्ट के जजमेंट में उसके बाद हम अपील में गए थे उससे पहले जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या मेरे ख़ानदान ने कोशिश किया इस पे केस का पार्टी बनने का हमें इजाज़त नहीं दिया गया था आप सब को शुक्रिया एक सवाल है सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि इस सारे मामले में रशीदा बीबी मुल्जमान की जमानत मंजूर के लिए आई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या भुट्टो कहते या आपकी तरफ से प्रेसिडेंट जरदारी ने अपील की हुई है ये जो मैंने जहाँ तक मुझे पता है आज मेरे सामने जो कागजात रखे गए थे अदालत में वो सदर जरदारी का अपील का था लेकिन मैं अब खुद देखना चाहता हूँ मैं खुद इंसाफ मांगना चाहता हूँ इन अदालतों से हम तीन नस्लों से अदालतों में आ रहे हैं हमारा पुराना रिश्ता है अदालतों से मैंने सोचा मैं खुद आकर देखूं इंसाफ कैसे होता है जुल्फिकार भुट्टो और बेनजीर भुट्टो केस में हमें इंसाफ मिलेगा हमें ये पूरी उम्मीद है